नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से इस वीडियो का लोगों को बेसब्री से इंतजार भी था। हम बात कर रहे हैं श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में। ये कंपनी जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, ये शुगर मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी कंपनी है और इसका स्टॉक भी अच्छा स्टॉक में आता है, ऐसा नहीं है। अभी करंट सीन में आप देखेंगे 44 रुपीज़ 60 पैसे के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। सीधा पॉइंट की बात करूंगा, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करनी है और समय निकालकर इत्मीनान के साथ वीडियो सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। मैं बात कर रहा हूँ श्री रेणुका शुगर के स्टॉक के बारे में और मैं इसके फ्यूचर का आपको प्लानिंग बताने वाला हूँ। फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसी रहेगी, 2023 में इसका स्टॉक इधर मूव करने वाला है, तो आपको बेसिक आइडिया इस वीडियो से मिल जाएगा कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो भी आपको एक अच्छी इसमें समझ आएगा कि इसमें एक अच्छी एडवाइस आपको मिल सकती है इस वीडियो के थ्रू। और अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्ट कर रखा है आपने श्री रेणुका शुगर्स में, तो भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ के साथ आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप किस तरह मूव कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट आपको बनता हुआ दिख रहा है। साथ के साथ ही अगर कोई लॉस बनता है तो वो भी आपको पता चलेगा, जिससे आप सतर्क हो सकते हैं। और अगर प्रॉफिट बनता दिख रहा है तो आप और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करके और ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। डाउट्स जो भी होंगे आप मुझे और भी लिख सकते हैं, तो वो भी सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। सीधा पॉइंट की बात करेंगे, कंपनी का स्टॉक ऐसा नहीं है कि अभी 44 पर है, इससे पहले भी काफ़ी अच्छा रहा है। 52 वीक्स की अगर बात करेंगे तो 52 वीक्स से हाई की देखेंगे तो 68 रुपीज़ 75 पैसे रहा है और अभी लो की तरफ देखते हैं तो 33 रुपीज़ 90 पैसे इसका लो रहा है और करेंट में ये 44 रुपीज़ 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो रही है, बट प्रॉफिट्स की अगर मैं जहाँ तक बात करूँगा तो इसने पूरे साल में लॉन्ग टर्म की अगर प्लानिंग जिन लोगों ने की होगी उस हिसाब में अगर देखेंगे तो 15 से 16% के आसपास इसने रिटर्न दिए हैं। हालांकि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह का इनका मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी का जो बिजनेस है, और कंपनी के बिजनेस में जैसे शुगर्स की ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साथ के साथ इथेनॉल वगैरह बनाते हैं। आजकल भारत सरकार ने भी इथेनॉल पेट्रोल के साथ में कुछ ब्लेंडिंग करके तो इनको और भी ज़्यादा बिजनेस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, तो उसके लिहाज से भी। बट स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है, उसका क्या कारण रहता है ये तो मैनेजमेंट भी जानता है, डेट भी रहा है और भी बहुत सारे कारण होते हैं। हम बात करते हैं सीधा फाइनेंशियल डाटा रिटर्न एनालिसिस की, तो इसका जो फोरकास्ट है वो कैसा रहने वाला है, 14 डेज आने वाले 2 वीक्स में ये कैसा स्टॉक किधर मूव करने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूँ। साथ के साथ आपको अप्रैल टू दिसंबर 2023 का पूरा पाथ फोरकास्ट मैं आपको दूंगा, तो जिससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट को एक डायरेक्शन मिलेगी किधर उसको जाना चाहिए। और साथ के साथ मैं ये भी बोलता हूँ, अगर आप कोई नया अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना एक फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लें। बस शुरू करते हैं प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन पॉइंट की बात ही से ही स्टार्ट कर लेंगे और इसमें कुछ भी ऐसा मैं लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड का जो स्टॉक है वो एक लाइन में, अगर वन लाइन में आप समझना चाहते हैं तो ये वेरी गुड इन्वेस्टमेंट है, वेरी गुड स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 ईयर का प्लान करेंगे तो ये वेरी गुड रिटर्न देने वाला स्टॉक है। अभी 44-45 रुपीज़ पर ये ट्रेड कर रहा है और आने वाले 1 साल में ये कितना अर्निंग पोटेंशियल स्टॉक है तो ये आपको क्लियर होगा। सीधा डेट का डाटा मैं आपके सामने रखता हूँ, इसकी फोरकास्ट जो हमने तैयार की है उम्मीद है एक्यूरेट भी बैठेगी और आपको समझ में भी आएगी। कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक्यूरेसी और भी ज़्यादा दें, जिससे आपकी चीज़ें, आपके डाउट्स और भी क्लियर हों। वीडियो डिले होने का कारण बेसिकली ये ही होता है कि जितना ज़्यादा उस पर एनालिसिस कर दें, साथ के साथ मार्केट की जो स्थिति होती है कभी भी घटती बढ़ती रहती है, बहुत सारी बेसिक्स न्यूज़ें हैं इधर उधर होती हैं, सेंसेस जो मार्केट है बहुत ज़्यादा सेंसुअल है और कभी भी ये इस तरह की अफवाहों पर से भी स्टॉक के प्राइस पर फर्क पड़ता है। लास्ट कुछ देर में आपने देखा होगा SVB बैंक जो यूरोपियन बैंक है वो दिवालिया हुआ है, उसकी वजह से भी कुछ फर्क मार्केट पर देखने को मिल भी रहा है। 15 मार्च 2023 की मैं बात करूंगा, 15 मार्च 2023 में इसका स्टॉक 48 रुपीज़ 95 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 16 मार्च 2023 को आप नोट करेंगे 48 रुपीज़ 55 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 17 मार्च को 48 रुपीज़ 75 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 20 मार्च को 48 रुपीज़ 45 पैसे, 21 मार्च को 48 रुपीज़ 10 पैसे और उसके बाद में 22 मार्च को आप नोट करेंगे 49 रुपीज़ 15 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। उसके बाद आप देखेंगे 24th मार्च की मैं बात करूं तो 24th मार्च को 48 रुपीज़ 70 पैसे रहने वाला है, मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा और 27th मार्च को 48 रुपीज़ 50 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। तो ये तो रहा एक मैक्सिमम प्राइस का आपको प्रेडिक्शन 14 डेज का। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका अपसाइड और डाउनसाइड क्या रहने वाला है कमिंग 2 वीक्स के अंदर। तो 2 वीक्स यानी 14 डेज के अंदर इसका जो अपसाइड रहेगा वो 49 रुपीज़ 15 पैसे रहने वाला है और डाउनसाइड इसका 43 रुपीज़ 10 पैसे के आसपास रहने की आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी 14 डेज की मैंने एक हाईएस्ट और लोएस्ट की पॉसिबल प्रिडिक्शन आपको दी। अब बात करते हैं सीधा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अप्रैल से। तो अप्रैल में आप देखेंगे करीब
अप्रैल 2023 की मैं बात करूंगा, तो आप नोट कर सकते हैं इसका जो मैक्सिमम प्राइस रहने वाला है करीब करीब 49 रुपीज़ और 50 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। मई 2023 की बात करेंगे 50 रुपीज़ 35 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। मंथ जून की बात करेंगे, जून 2023 को आप नोट कर सकते हैं 54 रुपीज़ 45 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये मंथली ट्रेड करने वाला है, उसके इर्द गिर्द बेसिकली पूरे महीने का है, तो एक लमसम कि आपको 24 डेज के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है। अब बात कर रहे हैं जुलाई 2023 की, तो जुलाई में 56 रुपीज़ 50 पैसे, अगस्त में 56 रुपीज़ 90 पैसे और सितंबर 2023 में 60 रुपीज़ 65 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। हम बात करेंगे अक्टूबर की, तो अक्टूबर में 63 रुपीज़ 65 पैसे। नवंबर की बात करेंगे, तो नवंबर में आप देखेंगे 63 रुपीज़ 95 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला है, और उसके बाद दिसंबर आएगा, तो दिसंबर में भी 63 रुपीज़ 60 पैसे के प्राइस पर ये आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा। तो ये पूरे साल का एक फोरकास्ट हमने तैयार किया जो आपसे शेयर किया है, इसके हिसाब से आपको आइडिया, बेसिकली आइडिया देने के लिए ये प्रोडिक्शंस है, तो एक आपको रफ आइडिया मिल सकता है कि आप किधर अपना स्टॉक आपका जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस समय करंट जो प्राइस चल रहा है उस पर अगर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ले लें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। और इसके अंदर जो अर्निंग पोटेंशियल दिखता है अभी के प्राइस पर, यानी कि अभी 44 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, अभी आप करते हैं तो इसके अंदर 37% का अर्निंग पोटेंशियल इसमें देखने को मिलता है। तो इतना ही इसका 1 ईयर का ऐसा आपको प्रॉफिट होने का चांसेस रहेगा। तो ये तो बात रही श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड के स्टॉक की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। साथ के साथ आपके कुछ स्टॉक से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे लिखें, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और साथ में आप किसी भी टॉपिक या किसी भी स्टॉक पे, इन्वेस्टमेंट पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे आप लिख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रॉफिट में होंगे और धीरे धीरे प्रॉफिट बनाने का आपका नज़रिया आपको समझ में आ रहा होगा। और भी आप अपने एडवाइस मुझे लिख सकते हैं किस तरह की आपको वीडियो चाहिए, तो हम उस तरह का बनाने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, सलाम, ऑल द बेस्ट।